देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। इस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने किसानों का अभिनंदन किया, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बोले, कुछ राज्यों के चुनाव को लेकर ये निर्णय लिया है। भारतीय किसान संघ के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे बोले, कृषि कानून वापसी का निर्णय ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया, जिसका कहीं स्वागत हुआ तो कईयों ने इस निर्णय को ठीक नहीं बताया। इसमें राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया और किसानों का अभिनंदन करते हुए इसे किसानों की जीत कहा है। सगळ्यात पहिले त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन आणि ही गोष्ट तेवढीच खरी की या देशातला शेतकरी ज्या ज्या वेळेस उभा झालेला आहे त्या त्यावेळी त्या शेतकऱ्याचा विजय झालेला आहे। मी पहिलेपासून असं म्हणत होतो, हा शेतकरी जो आंदोलन करायला उतरलेला आहे हा कुठलीच त्या ठिकाणी शेतीचं मूल्य वाढवून द्यासाठीच नव्हता, कुठले खताचे भाव कमी करून द्यासाठी नव्हता, हा कुठलेही त्या ठिकाणी असलेले शेतकरी असंही म्हणत नव्हतं की कर्जमाफी करा म्हणून की विजेचे आणि पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करावा। हा शेतकरी एवढंच म्हणत होता की शेती हा विषय जो आहे त्या कसणारा माणसा जो असलेली शेती उद्या कुठलाही व्यापारी गिळू नाही शकला पाहिजे आणि ती शेती त्याच्यापाशी झाली पाहिजे, हा जो महत्त्वाचा मुद्दा त्यांचा होता त्या मुद्द्याची आज त्या ठिकाणी जीत झालेली आहे। तो मुद्दा जिंकलेला आहे, त्या शेतकऱ्याला मनापासून त्या ठिकाणी सलाम करतो। ज्या ज्या शेतकऱ्यांना या आंदोलनामध्ये ज्यांची आहुती गेली आहे त्यांना मनापासून जड अंतकराने त्यांना श्रद्धांजली वाहतो आणि हा शेतकरी इथून इकडं असं संघटित राहून शेती आणि शेतकऱ्याचा मान सन्मान आणि त्याचा असलेला त्या ठिकाणी असलेला त्याचे विषय हे नेहमी जिंकतच राहील अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त। 5 राज्यों में चुनाव से पहले कानून को वापस लेने का फैसला किया गया है। मोदी को देश के किसानों और लोगों से कहना चाहिए कि वह देश में ऐसे कानून वापस नहीं लाएंगे और उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही नाना पटोले ने कहा कि आज मोदी सरकार को काले कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करनी पड़ी, यह है आंदोलनकारी किसानों की जीत। पंजाब और ऐसे 4-5 राज्यों के जो चुनाव है उसके मद्देनजर रखकर मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून वापस आज लिए हैं। ये सही में तो ये किसानों का विजय है, किसानों की जीत है। और एक डाउट उसमें बिल्कुल है कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये डिसाइड हो चुका है और वो सर्वे करने के बाद ये उन्हें कानून वापस लिए होंगे, ये बीजेपी की मानसिकता हमें पहचान नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये इलेक्शन के बाद, विधानसभा के इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है और राष्ट्रपति के इलेक्शन के नज़र रखकर, क्योंकि राष्ट्रपति समझो ये 5 राज्यों में बीजेपी पिछड़ गई तो राष्ट्रपति बीजेपी विचारधारा का नहीं बनेगा और इसलिए ये कानून वापस लिया गया है। और इसलिए मोदी जी ने तो देश की जनता से माफ़ी तो मांगना ही चाहिए और देश के किसानों से कमेंटमेंट करना चाहिए कि हम इस तरह के काले कानून नहीं लाएंगे, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। भारतीय किसान संघ के विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष नाना आखरे बोले, यह निर्णय प्रधानमंत्री ने हटवादी किसानों के कारण लिया है जो ठीक नहीं है। यह जो निर्णय वापस लिया गया है जिसमें हमारे द्वारा जो 4 सुधार किए गए हैं उसे इस कानून में लाया जाए उसका स्वागत होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानून वापसी का जो निर्णय लिया है वह निर्णय किसानों का दूरगामी हित ख्याल में रखते हुए कुछ अच्छा नहीं हुआ। हटवादी किसानों के आग्रही भूमिका के कारण उनको लेना पड़ा ऐसा महसूस होता है। इस कानून की तो डिमांड हम लोगों ने कई सालों से रखी थी कि किसानों को मार्केट खुला किया जाए, बाजार समिति की जो मोनोपोली है वह कम हो, और इसीलिए यह कानून का हमने प्रस्ताव रखा था। भारत सरकार ने जो मसूदा सामने लाया, कानून लाया, उसमें हमने 4 सुधारणाएँ बताई थी। वह 4 सुधार का भी कुछ भारत सरकार ने नहीं सुना। यह 4 सुधारणा के साथ यह कानून, यदि यह जो नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई है वह कमेटी फिर से कानून लाती है तो उसका स्वागत होगा।
कमेटी की घोषणा आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने की है, लेकिन कमेटी में नॉन पॉलिटिकल लोग यदि रहे तो ही किसान का उचित विचार हो सकता है। यह नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय किसान संघ की डिमांड है। हम चाहते हैं कि देश के अनेक विद्वान हैं जो एग्रो इकोनॉमिक थिंकिंग करते हैं, उनका भी इसमें सम्मिलित होना जरूरी है। किसान संघ के भी प्रतिनिधि आना अपेक्षित है। आज हमारी समस्या कुछ और है। बाजार में किसानों का लागत खर्च दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वह लागत खर्च के आधार पर उसको उसका मूल्य नहीं मिलता, बाजार में उसको उसकी लागत खर्च की कीमत भी नहीं मिलती। इसीलिए MSP की गारंटी हो और MSP के 23 कमोडिटीज़ में लिस्ट भी आगे बढ़े बड़ी हो, इस दृष्टि से हम भी प्रयत्नशील है, आग्रही है। भारत सरकार को निवेदन करते हैं कि इसका भी विचार और सरकार ने करना चाहिए। कृषि कानून वापस लेने के लिए करीबन केंद्र सरकार को एक साल लगा। अब किसानों की मांग पूरी होने के बाद विविध राजनेताओं द्वारा इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।